हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सपना आज की वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। अभी शादियों का सीजन चल रहा है, आपको किसी न किसी शादी में जाना होगा, तो आप इस तरह का लुक क्रिएट करके बहुत इजली शादी फंक्शन में जा सकती हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सपना क्रिएशन। मैं वहाँ भी सुपर डुपर एक्टिव रहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे वहाँ भी फॉलो करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले स्किन को प्रेप करना होता है, तो यहाँ मैंने सीरम एंड फेशियल ऑयल अप्लाई कर लिया है। देन मैं अप्लाई कर रही हूँ ये न्यूट का कैरेट सीड मॉइस्चराइजिंग लोशन, फेस पे अप्लाई करूँगी। देन प्राइमर के लिए लैक्मे एब्सोल्यूट का ये प्राइमर ले रही हूँ। क्रीम बेस्ड प्राइमर है, टी जोन एरिया पर फोकस करते हुए अप्लाई कर लूँ ताकि मेकअप लॉन्ग लास्ट करे, ओपन पोर्स है वो भी मिनिमाइज है, मेकअप बहुत ही स्मूद हो। देन मैंने फाउंडेशन के लिए है ये फॉरएवर 52 का फाउंडेशन, थोड़ी क्वांटिटी में फेस और नेक एरिया में अप्लाई कर लिया। देन एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर के से अच्छे से डैबिंग मोशन में ब्लेंड कर रही हूँ। देन कंसीलर के लिए वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर लिया है, अंडर आई एरिया, ब्रिज ऑफ द नोज, फोरहेड, माउथ एरिया अप्लाई करके सेम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से इसे भी डैबिंग मोशन में ब्लेंड कर देना है। देन मैंने ये मेकअप रिवोल्यूशन का लूज पाउडर लिया है अपने अंडर आई एरिया, ब्रिज ऑफ द नोज, जॉ लाइन पे और फोरहेड पे अप्लाई करूँगी। लाइट बेकिंग कर रही हूँ। देन ये बेनिफिट का ब्रो पोमेट लेके उससे अपने ब्रोज को फिल कर रही हूँ, एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से, जो इसमें ब्रश आता है, फिल करके एक पुली की हेल्प से इसे कॉम करके सेट कर लूँगी। जो भी पाउडर एक्सेस पाउडर है उनको रिमूव कर देना है। तो बहुत हल्का बेकिंग किया है क्योंकि अभी सर्दियों का सीजन है, तो बहुत ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो ड्राई पैचेस आ सकते हैं। देन मैंने ये मिलाने का मेकअप सेटिंग स्प्रे लेके पूरे फेस पे स्प्रे करके डैम ब्यूटी ब्लेंडर से टैप टैप कर देंगे, तो जितना भी मेकअप है वो सेट हो जाएगा। अगर कोई ड्राई पैचेस वगैरह आएंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है। तो इस तरह आप पहले करके एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर कल से टैप टैप कर दीजिए, तो मेकअप अच्छे से सेट हो जाता है। मेकअप रेवोल्यूशन का यही शेडो पैलेट लिया है, इसमें से ये कलर लेके और ये लाइट ग्रीन कलर है, और इसे क्रीज पे अप्लाई करेंगे। क्रीज पे अप्लाई करके ब्लेंड करना है, थोड़ा सा आउटर वी पे भी अप्लाई करना है, इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। देन ग्रीन कलर ले रही हूँ, ये मैट ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर को लेके आउटर वी पे प्लेस करूँगी और इसको आउटर वी पे ब्लेंड करना है, हल्का सा क्रीज पे भी ब्लेंड करना है। तो मेरी सारी जो ग्रीन एंड येलो का कॉम्बिनेशन था, गोल्ड भी था उसमें, तो उसी कॉम्बिनेशन से मैं अपना आई लुक क्रिएट कर रही हूँ। देन ब्लैक कलर पिक किया है, आउटर वी पे हल्का सा प्लेस करूँगी। बहुत थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके करना होता है, एक साथ ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना होता है ब्लैक कलर को, नहीं तो बहुत ज़्यादा मिशी सा हो जाता है। इस तरह से करके देन एक ब्लेंडिंग ब्रश से अंदर के साइड ब्लेंड करना है, बहुत ही आराम से ब्लेंड करना है। देन मैंने ये सिमरी कलर लिया है जो कि ग्रीन सिमरी कलर है, इसको सेंटर में अप्लाई कर रही हूँ। ब्रश से अच्छे से नहीं अप्लाई हो रहा था तो फिंगर से अप्लाई किया है। देन इनर आईलिड के लिए मैं ले रही हूँ गोल्ड कलर, और इस तरह से एक ब्रश की हेल्प से इनर आईलिड पे गोल्ड कलर अप्लाई कर लूँगी। देन आउटर वी पे फिर से एक बार ब्लेंड करूँगी ब्लैक कलर को हल्का सा। देन कंसीलर से इसके एजेस को क्लीन कर रही हूँ और उसके बाद इसको कॉम्पैक्ट से सेट कर लूँगी। देन शुगर का ब्लैक आईलाइनर लिया, एक विंग्ड आईलाइनर क्रिएट करूंगी। हल्का से इनर आईलाइनर भी अप्लाई करूंगी। काजल के लिए फेसेस कनाडा का ये काजल ले रही हूँ, ब्लैक काजल है, वाटर लाइन में अप्लाई करूंगी, ऊपर के साइड भी अप्लाई कर लूंगी। देन ब्लैक कलर पिक कर रही हूँ एक स्मॉल ब्रश में और हल्का से काजल को नीचे की तरफ स्मज कर दूंगी ताकि थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट आ जाए। देन मैंने ये लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन कलर को मिक्स करके लोअर लैश लाइन के क्लोज क्लोज ब्लेंड कर लेना है काजल के नीचे। कलर से अपने लैसेस को कर्ल कर लूंगी, कलर बार का कर्लर है। देन मस्कारा लिया स्विस ब्यूटी का, अपर एंड लोअर लैसेस को मस्कारा से कोट कर लेना है। ऑफ कैमरा अप्लाई कर लेंगे फेक आई लेसेस, तो फेक आई लेसेस डन हो गई है, बचा हुआ फेस मेकअप कर लेते हैं। मेकअप रिवोल्यूशन का ये फेस पैलेट लेके इसे कंटूर पाउडर लेके अपने फेस की कंटूरिंग कर लूँगी, एक कंटूर ब्रश की हेल्प से जॉ लाइन पे भी कर लूँगी,
फोरहेड पे, नोज पे एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से कंटूरिंग कर लूँगी, तो कंटूरिंग करने से फेस में एक अच्छा सा डायमेंशन आ जाता है, फेस थोड़ा सा शार्प भी दिखता है। देन ब्लश के लिए ये स्विस ब्यूटी का ब्लश पैलेट लिया है, इसमें से ये डार्क पिंक कलर लेके और अपने चिक बोन्स पे अप्लाई कर लूँगी, थोड़ा सा नोश पे और चिन पे भी हल्का सा अप्लाई करूँगी। हाइलाइटर के लिए वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर लिया, एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से अपने फेस के हाई पॉइंट को हाईलाइट करूँगी, चिक बोन्स को, ब्रिज ऑफ द नोज, नोज टिप, क्यूपिड बो, चिन, फोरहेड, ब्रो बोन को और इनर आई कॉर्नर पे नीचे की तरफ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ मैंने इनर आई लाइनर अप्लाई किया है। देन नायका की लिपस्टिक है जिसमें मेरा सेड है 05 न्यूट कलर की लिपस्टिक है, अपने लिप्स पे अप्लाई कर लूँगी, तो आप इसकी जगह रेड लिपस्टिक भी अप्लाई कर सकती हैं, पर मैं यहाँ न्यूट लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आई मेकअप थोड़ा सा हैवी है। देन मैंने मेकअप फिक्सर, सेम मेकअप फिक्सर लेके अपने फेस पे स्प्रे करके डैम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प पूरा डैब डैब कर दूंगी, जितना मेकअप अच्छे से सेट हो जाएगा। देन बिंदी मैंने ये ग्रीन कलर की बिंदी अप्लाई कर ली है, साड़ी पहन लिया है, जूली पहन ली है, मैंने ये बन बनाया है जो कि राजस्थानी माथा पट्टी भी मैंने वेयर की है, तो अगर आपको पसंद है तो आप कर सकती हैं, नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग ज्वेलरी पहन सकती हैं। तो ये है मेरा फिनिश फाइनल लुक, कैसा लग रहा है आप लोग को बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस लुक को अचीव करना बहुत ईजी है, आप किसी भी पार्टी फंक्शन के लिए बहुत ईजीली इस लुक को कैरी कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया, आपने वीडियो को इंजॉय किया हो। तभी के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज़।